Assalamualaikum. Welcome to pakizainstitute.com. pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद. तो MS Excel की आज की क्लास में हम सीखेंगे थीम्स के बारे में कि MS Excel में किस तरह हम थीम्स को यूज़ में ले सकते हैं. थीम्स में देखें तो फर्स्ट पे आपको थीम एंड देन कलर फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स की ऑप्शन नज़र आएगी. तो यहाँ पे जस्ट हम थीम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट थीम्स की नज़र आएगी. यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जिस तरह का थीम लेना चाहें ले सकते हैं. ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हमारी ये जो ग्रिड लाइन आपको ये कॉलम है रो नज़र आ रही बहुत ही ये नैरो है. अगर आप यहाँ पे आके इसको ये देखें ये थीम ले लेते हो ऑर्गेनिक तो ये देखें ये थोड़ी सी आपकी थीम जो ग्रिड लाइन है कॉलम है रो है वो बड़े हो जाते हैं. ये देखें यहाँ से और भी ये देखें इसमें भी देखें. तो इस तरह आप थीम को यूज़ में ले सकती हैं. उसके बाद अगर आप किसी थीम को सेव करना चाहें तो सेव करंट थीम इस तरह इसको सेव भी कर सकते हो. उसके बाद देखें तो यहाँ पे कलर्स की ऑप्शन दी है. यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हो. ये प्रीसेट बने हैं मुख्तलिफ कलर्स के. यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रीसेट को पिक कर सकते हो. अगर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहो तो कस्टमाइज कलर पे आएं एंड यहाँ पे आके अपना मर्ज़ी का आप एक कलर का कम्बिनेशन बना के एक प्रीसेट तैयार कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 7-8 किस्म के यहाँ पे आपको कलर चेंजिंग की ऑप्शन नज़र आएगी. तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ करके एक प्रीसेट तैयार कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट्स है. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें ऑफिस क्लैरिटी लाइट जो है वो उस पर चेक लगा हुआ है. तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से फॉन्ट चेंज कर सकते हो. तो ये देखें होम पे जाएं तो इस तरह स्टूडेंट्स आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो. सेम ऐसे ही यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं इनको भी आप यूज में ले सकते हो. ओके स्टूडेंट ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने थीम से रिलेटेड पढ़ा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.